देखो बच्चों, रिवीजन फोर में देखते हैं कि सेकंड स्टैंडर्ड में कि आपने रिवीजन वन टू और थ्री में हिंदी का जो स्वर है वो यहाँ पे रिवीजन में कंप्लीट किया था आपने, है ना। तो इसी तरह आपको स्वर कितने हैं, किस तरह लिखा जाता है, उसका उच्चार कैसा होता है, वो आपको इसी तरह लाइन बना के लिखना है और बोलना है, तो ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अ अ को आ की मात्रा आ, ई ह्रस्व ई, ई दीर्घ ई छोटी ई बड़ी, उ ह्रस्व उ, उ दीर्घ उ छोटा उ बड़ा उ, रु ऋषिका, ए वर्ड बनाते वक्त उसमें एक मात्रा आता है, ई वर्ड बनाते वक्त उसमें डबल मात्रा आता है, अ आ की मात्रा और एक मात्रा की मात्रा ओ, अ प्लस आ की मात्रा डबल मात्रा की मात्रा औ, अम अ को ऊपर ऐसा अनुस्वार डॉट होता है उसको अनुस्वार कहते हैं, तो अम और अ के पास में डबल डॉट होते हैं यानी कि विसर्ग, तो उसका उच्चार होता है ह अ ह। ओके, फिर से एक बार, अ आ ई ई ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह। ओके बच्चों, समझ में आ गए। इसमें से आपको 12 खड़ी बनानी है। जो देखो कैसे बनाएंगे, अ है बराबर, याद रखना है आपको कि जो स्वर होते हैं तो वो स्वर में से ही 12 खड़ी बनती है, आपको याद रखना है। कैसे बनाएंगे, देखो अ है तो क, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगाई गई है, तो क में भी मैंने कोई भी मात्रा नहीं लगाई। आ कौन सी मात्रा लगाई है, आ की मात्रा यानी कि स्टैंडिंग लाइन, तो का वो कौन सी है मैंने अभी बताया था ना, पहले क की लाइन लिखते हैं, तो क क लिख दे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, क्योंकि मात्रा ही लगानी है वो ही आपको अच्छे से याद रखना है। देखो वो मैंने बताया था कौन सी मात्रा है, छोटी की, छोटी कहाँ से कहाँ आती है, आगे ऐसी की वो बड़ी है, ह्रस्व कु रू क्रू है बस, वो नहीं आता है 12 खड़ी में, आपको याद रखना है, अभी आपने आके देखा था है ना, तो इसमें रू रू सिंह 12 खड़ी में नहीं आता है, वो कहाँ पे दिया गया था बुक में, लास्ट पेज में है ना। फिर इसमें क्या आता है, के मैंने बताया था यहाँ कि कोई भी मात्रा नहीं है तो वर्ड बनाते वक्त एक मात्रा आता है, और एक मात्रा होता है तो वर्ड बनाते वक्त डबल मात्रा, के कई क ओ को कानो मात्रा, आ की मात्रा एक मात्रा की मात्रा, आ की मात्रा डबल मात्रा की मात्रा, कौ कम और कह। आया समझ में, देखो क का की कु कई कई के कई को कौ कम कह, वो नहीं आता है रूसी का। देखो अ क आ का ई ई की ई की, ऊ कु ए के ऐ कै ओ कौ औ कौ अम कम अह कह। समझ में आए, देखो यहाँ पे उच्चार होता है इंग्लिश में जो आपको स्पेलिंग बनाना है, तो के ए के आई के डबल ई, याद रखना है ह्रस्व है तो आई, दीर्घ है तो डबल ई, पची के यू के डबल ओ के ई के ए आई के ओ के ए यू कौ कम के एम अथवा एन कह के एच। ओके, इसी तरह आपको 12 खड़ी बनानी है, क का की कु कई
क का की कुकु के कई को कौ कम कह ख खा खी खुखु खे खै खो खौ खम खह। इसी तरह आपको जो वो बाराखड़ी स्वर आएगा तो ही आपको बाराखड़ी लिखना आएगा, वो आपको नहीं आता है अ से लेके अह तक तो अखड़ी लिखना नहीं आएगा। और इसमें वर्णमाला आने भी जरूरी है कि वर्णमाला में जो कंसोनेंट है तो इसमें क ख ग ग ग च छ ज ज ट ठ वो नहीं आता है, इसके बाद क्या आता है तो भी आपको बाराखड़ी नहीं आएगी। जो बाराखड़ी नहीं आती है तो आपको वर्ड बनाना, शब्द बनाना और सेंटेंस बनाना भी नहीं आएगा। तो क्या करना है आपको, पहले स्वर और व्यंजन है वो सीखना अति आवश्यक है। ओके बच्चों, तो स्वर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, बाराखड़ी में कहाँ पे क्या लगाया गया है, उसका उच्चार कैसे होता है वो भी समझ में आ गया। ओके, क के ए का के ए की, जो ह्रस्व होती है तो आई, दीर्घ होती है तो डबल ई, ह्रस्व तो यू, दीर्घ तो डबल ओ, कने मात्रा तो ई, कने डबल मात्रा ए आई, को के ओ, के ए यू कौ, कम कम न कन तो एम या तो एन दोनों आ सकता है, और के एच। तो बच्चों तो इसी तरह आपको स्पेलिंग बनाना भी आ जाएगा। तो याद रखना है, देखो फिर से एक बार म की लाइन यहाँ पे बना देते हैं, म मा मी मी, मू मू मे मई, मो मऊ मम मह। ओके बच्चों, समझ में आया, म मा मी मी मू मू मे मई मू मऊ मम मह। इसी तरह आपको जो एक लाइन आएगी तो वर्णमाला की सभी लाइन आपको अच्छे से आ जाएगी। और इसका जो स्पेलिंग बनाना है तो एम ए एम ए एम आई एम डबल ई एम यू एम डबल ओ एम ई एम ए आई एम ओ एम ए यू एम एम अथवा एम एन और एम एच। ओके, इसी तरह आपको सभी लाइन अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देनी है। ओके बच्चों, तो स्वर में कोई कन्फ्यूज़न है नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले भी अच्छे से एक एक मूलाक्षर करके सीख लिया है, और यहीं रिवीजन में भी मैंने 4 रिवीजन में पार्ट करके आपको अच्छे से बता दिया है ना। यस, तो अ आ ई ऊ रु ए ऐ ओ औ अम अह, जो नहीं आता है तो आपको पाठ पाठ देना है और लर्न करना है। देखो अ आ ई ऊ, बीच में रु अकेला बाकी रहता है, ए ऐ ओ औ अम अह दो दो का पाठ कर देना है, क्योंकि दो दो सेम है, अ आ ई ऊ रु ए ऐ ओ औ अम अह। ओके, तो अच्छे से वो स्वर आ जाएंगे, जो स्वर आ जाएंगे तो बाराखड़ी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।